हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 क्लास 8 साइंस का, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फोर्स क्या चीज़ होती है, प्रेशर क्या होता है। जैसा हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं, कैसे मूव होते हैं, आप रिकॉल कर सकते हैं कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए डिसाइड किया है फास्ट या स्लो, आपको कैसे मूव करना है तो वो कैसे होता है। डिस्टेंस जो है मूविंग का कोई भी ऑब्जेक्ट के, उसका यूनिट क्या इंडिकेट करता है, यूनिट टाइम क्या इंडिकेट करता है या कुछ इंडिकेट करता है। मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे बॉल है रोलिंग ऑन द ग्राउंड, स्लोज डाउन, धीरे धीरे स्लो होने लगती है, कभी कभी अपने डायरेक्ट डायरेक्शन को चेंज करती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है, और कभी कभी बॉल स्लो डाउन हो जाती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, जैसे मैंने बताया, कभी आप उसे फास्ट मूव भी करवा देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ होती है, किसके कारण होती है, तो कुछ अदर एवरीडे एक्सपीरियंस को अगर हम रिकॉल करें, तो अगर हम फुटबॉल को मूव करना चाहते हैं, मूविंग बॉल को और ज़्यादा फास्ट मूव करना चाहते हैं, गोल कीपर जो है वो बॉल को स्टॉप कर रहा है, फील्डर्स जो है वो स्टॉप करते हैं, कैच करते हैं बॉल को जो बैट्समैन ने मारी है, हॉकी प्लेयर जो है वो चेंज करता है डायरेक्शन को मूविंग बॉल के, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या होती हैं, ये सारी सिचुएशंस के अंदर बॉल क्या हो रही है, या तो फास्ट मूव हो रही है या स्लो मूव कर रहे हैं, उसे डायरेक्शन ऑफ मोशन भी हम चेंज कर रहे हैं। तो ऑफन हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो हमने अप्लाइड किया है उस बॉल के ऊपर जब हम उसे किक करते हैं, पुश करते हैं, थ्रो करते हैं, फ्लिक करते हैं, और ये फोर्स क्या चीज है। जब दो बॉडीज जो है, जब हम किसी बॉडी को अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो मूव होती है या फिर वो स्लो या फास्ट मूव होगी, या इस तरह से जो हमने ऊपर एक्टिविटीज देखी जैसे पुश करना, किक करना, थ्रो करना, इसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। फोर्स क्या चीज होती है, एक पुश या एक पुल को फोर्स कहा जाता है। एक्शन जैसे पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें सर्टन टास्क को डिस्क्राइब करती हैं, और ये सारी एक्शंस जो है ये यूजुअली एक चीज़ की वजह से हो रही है, या इन सब के अंदर जो है रिजल्ट जो है हमें सेम काइंड का मिल रहा है, कुछ चेंज मिल रहा है हमें मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये जो टर्म्स हैं वो रिप्लेस करते हैं वन और मोर टर्म्स के साथ में। हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम फर्स्ट डायग्राम में पिक्चर में देख सकते हैं कि गोल कीपर सेव कर रहा है गोल को, हॉकी प्लेयर है फ्लिकिंग कर रहा है बॉल को, फील्डर जो है स्टॉप कर रहा है बॉल को बाय कैचिंग इट। एक्टिविटी 11.1 में हमें दिया है कि नीचे एक टेबल दिया है और इसमें कुछ सिचुएशंस हमें दी हैं, उसमें हमें देखना है कि किस तरह की एक्शंस हैं और उसमें पुश या पुल कौन सी प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन में पहले हम देखते हैं मूविंग अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल, अगर एक बुक रखी है टेबल के ऊपर तो उस पर कौन सी एक्शंस परफॉर्म हो सकती है, तो आप उसे पुश कर रहे हैं या आप उसे पुल कर रहे हैं या आप उसे लिफ्ट भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक्शन किस तरह हो रही है, पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। सेकेंड हम देखें ओपनिंग और शटिंग अ डोर, अगर आप किसी ओपन डोर को ओपन या शट कर रहे हो, बंद कर रहे हो, तो उसमें या तो आप पुश कर रहे हो या आप पुल कर रहे हो, इस तरह से ये प्रोसेस आप एक्शंस कर रहे हो, और इसमें पुशिंग और पुलिंग दोनों चीज़ें आ रही हैं। इस तरह से अलग अलग सिचुएशंस को हम आइडेंटिफाई करके, और इस तरह से आप इस टेबल को, इस चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। आप जैसे जानते हैं कि ये जो एक्शंस हैं वो ग्रुप की गई हैं एज अ पुल और पुश, या फिर दोनों, कोई एक्शंस के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए पुश और पुल की ज़रूरत होना ज़रूरी है क्या, तो यस। और साइंस ये बताता है कि पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट को करना इज़ नथिंग बट अ फोर्स, है ना। तो दस वी कैन से दैट मोशन जो है वो इम्पार्ट करता है ऑब्जेक्ट के ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स, और मोशन इसीलिए हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में क्योंकि आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो अगर ये फोर्स अगर प्ले में आता है तो फिर क्या होता है, किस तरह की प्रोसेस होती है। जैसे पहली यहाँ बोल रही है, इसने क्लास 6 में पढ़ा था कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट का पीस जो अट्रैक्ट करता है आयन को अपनी तरफ, और ये अट्रैक्शन होता है पुल, वाइल रिपल्शन, अगर दो सेम पोल के बीच में अगर कांटेक्ट हो तो वो रिपल्शन करते हैं और इसे हम कहते हैं पुश। तो ये जो पुल और पुश वाली चीज़ें हैं ये यहाँ पर हम देखेंगे। फोर्सेस ड्यू टू एन इंटरैक्शन, इंटरैक्शन के कारण कौन से फोर्सेस हो रहे हैं। सपोज एक मैन है जो एक कार के पीछे, स्टेशनरी कार है जो बंद कार है उसके पीछे खड़ा है, तो क्या वो कार मूव करेगी, नहीं करेगी। लेकिन सपोज वो मैन जो है वो पुश करने लगा उस कार को, तो इसका मतलब है कि वो फोर्स अप्लाई कर रहा है और अब वो कार मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाइड किया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या जहां से फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगी। तो इसका मतलब मैन क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। उसी तरह फिगर 11.3 में जो शो किए तीन सिचुएशंस हमें बताई हैं वो हम देखेंगे। नीचे डायग्राम दी हुई है, हमें उसकी पिक्चर दी हुई है, और आप इसमें डिसाइड करें कि पुलिंग हो रहा है या पुशिंग हो रहा है इन केसेस में। 11.3A में हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर, जैसे यहाँ पर
कार ए तो हमने देखा, उसके बाद में 11.3 ए में हु इज पुशिंग हुम, ये दोनों लड़कियां जो हैं कौन किसे पुश कर रही है, तो वो दोनों की दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है। बाय 11.3 में दोनों की दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं। बल तीसरी डायग्राम में कौन किसे पुश कर रहा है, कौन किसे पुल कर रहा है, तो जो मैन है वो उस गाय को कह सकते हैं हम कि वो पुल कर रहा है और गाय अपने आप को पुश कर रही है ना। तो इस तरह से तीन सिचुएशन हमें दी हुई हैं, और ये एग्जाम्पल से हमें बता सकते हैं हम कि एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स जो जरूरी हैं इंटरैक्ट करने के लिए, फोर्स तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट होगा, और ये इंटरैक्शन जो होता है वन ऑब्जेक्ट का अनदर ऑब्जेक्ट के साथ, इसी के कारण रिजल्ट होता है फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस की बात करें तो कुछ अदर फोर्सेस की बात करते हैं। एक्टिविटी हमें दी है कि आप एक हैवी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, जैसे टेबल या बॉक्स आपने ले लिया है, और उसे मूव कीजिए पुशिंग हार्ड के थ्रू, मतलब बहुत पुश करके आपको उसे मूव करना है। तो आप अकेले उसे मूव करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप अगर अपने फ्रेंड को कहते हैं कि वो सेम डायरेक्शन में आपके साथ में उसे मूव करे या फोर्स उस अप्लाई करें, तो वो आप दोनों के लिए आसान होगा उस पार्ट को या उस ऑब्जेक्ट को वहां से हिलाना। लेकिन अगर आप सेकंड सिचुएशन में ये करते हैं कि अपने फ्रेंड को कहते हैं अपोजिट साइड से वो पुश करे, आप जिस साइड से पुश कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड से अगर आपका फ्रेंड पुश कर रहा है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उस डायरेक्शन में मूव होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रो फोर्स जो है वो ज्यादा है। तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, और अगर दोनों के फोर्स सेम है तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। आपने टग ऑफ वॉर का गेम देखा होगा जिसमें टू टीम्स होती हैं जो रोप को अपोजिट साइड में खींचती हैं, अपनी अपनी साइड में खींचती हैं। अगर दोनों टीम के मेंबर्स जो हैं वो अपने अपनी साइड में खींच रहे हैं और दोनों तरफ से सेम फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो वो जो रोप है वो मूव नहीं होगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में वो रोप मूव करेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स जो है वो हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ फोर्स सजेस्ट कर रहे हैं, और फोर्स जो अप्लाइड होता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम डायरेक्शन में जो अनदर ऑब्जेक्ट्स के साथ में, जैसे फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड टू वन अनदर, अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो वो अनदर को भी मूव कर लेता है, एड ऑन कर लेता है। नाउ रिकॉल व्हाट हैपन व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स, अगर आप दोनों सेम डायरेक्शन में पुश कर रहे हो तो आप दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टू फोर्सेस एक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के, तो नेट फोर्स एक्टिंग जो होगा वो डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जो मैंने बताया था कि जिसका फोर्स ज्यादा होगा उससे जिसका फोर्स कम है वो सब्ट्रैक्ट होगा, और बचा हुआ जो फोर्स है वो अप्लाई होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो यहाँ पर जैसे 11.2 में देखा कि दोनों जो है पुशिंग कर रहे हैं हैवी बॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन से, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यहाँ पे पहली हमें पूछ रही है कि इसका मतलब जो नेट फोर्स होता है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा जीरो होता है, जब टू फोर्सेस एक्ट होते हैं उस पर अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो इक्वल हैं तो जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा जीरो होता है। जैसे टग ऑफ वॉर में दो टीम्स हैं, अगर वो इक्वली हार्ड पुल कर रही हैं तो रोप जो है वो मूव नहीं होगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स जो है वो यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है मैग्नीट्यूड के अंदर, और स्पेसिफाई भी करता है डायरेक्शन को जिसमें फोर्स एक्ट हो रहा है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है अप्लाइड फोर्स का वो चेंजेस होता है और उसके इफेक्ट भी चेंज होते हैं। जनरल में कहें तो मोर देन वन फोर्स जो है वो एक्ट होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इसीलिए द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और इसीलिए इफेक्ट तब होता है जब नेट फोर्स जो है वो एक्ट करने लगता है। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स क्या कर सकता है, तो चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन को भी। अब हम देखते हैं ये किस तरह से होता है। जैसे हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जिसमें हमें रबर बॉल लेनी है, प्लेस करना है उसे एक लेवल सरफेस पे, कह सकते हैं फ्लोर पे आप उसे रख दीजिए और आप जेंटली पुश कीजिए उस बॉल को अलोंग द लेवल ऑफ द सरफेस, तो बॉल मूव होगी होगी ना। यहाँ पर डस बॉल बिगिन टू मूव, यस, पुश द बॉल अगेन व्हाइल इट इज स्टिल मूविंग, जब वो चल रही है उसके बाद एक बार और आप उसे पुश कर दीजिए तो वो डेफिनेटली अपनी स्पीड को चेंज करेगी, उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट में आप कीजिए कि अपने पाम को वो जो बॉल आ रही है मूविंग बॉल उसके बीच में आप रख दीजिए, और देन जैसे ही वो बॉल आपको टच होती है, आपके पाम को टच होती है, आप वैसे ही अपने पाम को हटा लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि आप उसकी स्पीड को रोक रहे हैं या बॉल के प्रेशर को रोक रहे हैं, मतलब उसकी जो स्पीड है उसे रोक रहे हैं, तो अब उसकी स्पीड आपको क्या दिखेगी, कम दिखेगी एज कम्पेयर टू बिफोर। तो इस तरह से ये बॉल जो है रेस्ट में था और बिगिन हुआ मूव करने के लिए, और आप अलग अलग तरह के फोर्सेस पे अप्लाई कर रहे थे। आप रिकॉल कर सकते हैं सिमिलर सिचुएशंस को, जैसे कि पेनल्टी किक हम मारते हैं फुटबॉल में, या प्लेयर अप्लाई कर रहा है फोर्स को बॉल के ऊपर,
बीइंग हिट, मतलब उसे हिट करने से पहले बॉल जो है वो रेस्ट पे होता है, फिर उसकी स्पीड जो है तब जीरो होती है, एंड देन उसके बाद आप अप्लाइड करते हो फोर्स फोर्स ताकि बॉल मूव हो सके गोल की तरफ. और इसी तरह गोल कीपर भी डाइव करता है या जंप करता है उस गोल को बचाने के लिए. और ये सारी एक्शंस जो है, मतलब गोल कीपर की एक्शन जो अप्लाई करने, फोर्स अप्लाई करने के लिए मूविंग बॉल के ऊपर परफॉर्म हो रही है, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसके थ्रू बॉल के ऊपर जो डिफ्लेक्ट करता है बॉल को और उसके गोल को सेव करता है. तो गोल कीपर भी सक्सीड होता है बॉल को स्टॉप करने में, क्योंकि वो जैसे ही बॉल को टच करता है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है और एक ऐसा समय आता है जब उसकी स्पीड जो है वो जीरो हो जाती है. और ये ऑब्जर्वेशन हमें बताते हैं कि फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है तो उसकी स्पीड को चेंज कर देता है. अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तो स्पीड ऑब्जेक्ट की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है जिस डायरेक्शन में, आप अगर पीछे से उसे उसी तरह पुश करोगे तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देगा. अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो वो उसकी स्पीड को डिक्रीज कर देता है. जैसे यहाँ पर बताया हमें भुजो, कह रहा है कि आई हैव सीन चिल्ड्रन कम्पीटिंग विद वन अनदर इन मूविंग अ रबर टायर. ऐसे आपने भी देखा होगा किसी गांव में अगर आप जाएंगे तो बच्चे टायर्स के साथ में खेलते हैं, तो वो बार बार उस टायर को पुश करते हैं आगे की तरफ, जिसके कारण वो टायर क्या होता है, मूव होता है फास्टर एंड फास्टर. पहली बहुत ही क्यूरियस ये जानने के लिए कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो क्या सिर्फ स्पीड चेंज करता है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम यहाँ पर देखते हैं. हमें एक्टिविटी 11.4 में एक बॉल लेनी है, उसे प्लेस करना है एक लेवल सर्फेस, जैसे मैंने बोला एक फ्लोर पे आप ले लीजिए, और उसके बाद उस बॉल को मूव करिए, आप पुश करते जाइए पुश करते जाइए, एंड देन आप अचानक से सडनली उसके बीच में एक रूलर जो है, जो हम ज्योमेट्रिक बॉक्स में हमारे होती है स्केल जिसे हम कहते हैं, आप वो बीच में लगा दीजिए. अब जैसे ही उस बॉल जब उस चीज़ को टच होगी तो बॉल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी जैसे ही वो रूलर से टच होती है, रूलर से टच होती है. और ये एक्टिविटी को आप बार बार रिपीट कीजिए, उसे दूसरी डायरेक्शन में जैसे ही मूव होती है वहाँ पर आप रूलर को रख लीजिए, रूलर को, और आपको वैसे ही पता चलेगा कि वो अपनी डायरेक्शन को फिर मूव कर रही है. इससे हमें क्या पता चलता है कि बॉल की जो है, या हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड तो चेंज होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं कंसीडर. जैसे गेम वॉलीबॉल का ले लो, प्लेयर जो है वो ऑफन पुश करते हैं मूविंग बॉल को उनके टीममेट्स को ताकि वो विनिंग हो सकें. और कुछ कई बार ये होता है कि बॉल जो है वो रिटर्न होता है अदर साइड में और कोर्ट में, जैसे कह सकते हैं पुशिंग या स्मैशिंग के थ्रू. और क्रिकेट की बात करें तो बैट्समैन जो है वो प्ले करता है उसका शॉट बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉल, बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है बैट के थ्रू. तो क्या इसमें जो चेंजेस हमको दिख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो बॉल की है वो इसमें भी हो रही है, चेंज हो रही है? तो इन सारे के सारे एग्जांपल्स में स्पीड और डायरेक्शन जो है मूविंग बॉल की वो चेंज होती है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. किस तरह का फोर्स लगा है उसके ऊपर उसकी डायरेक्शन और स्पीड डिपेंड होती है. कुछ और एग्जांपल्स भी आप इस तरह के लिख सकते हैं. चेंजेस जो है वो आइदर स्पीड के अंदर हो सकता है या उसकी डायरेक्शन के अंदर सकता है या दोनों के अंदर सकता है. और इसी को कहते हैं चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन. दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है तो हम इस तरह से कह सकते हैं. स्टेट ऑफ मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिस्क्राइब करते हैं उसकी स्पीड से और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन से. स्टेट ऑफ रेस्ट कंसीडर किया जाता है स्टेट ऑफ जीरो स्पीड को. और ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है, रेस्ट के बाद मे बी रेस्ट में हो या मोशन में हो या बोथ में हो, तो उसके स्टेट ऑफ मोशंस इस तरह से होते हैं, या तो वो जीरो में होगा या फिर वो चल रहा होगा, मोशन में होगा या दोनों स्टेट में होगा. इसका मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो ऑलवेज रिजल्ट करता है चेंज के अंदर स्टेट ऑफ मोशन के. अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो किसी न किसी चीज़ में चेंज जरूर होगा, या तो उसकी स्पीड में चेंज होगा या उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा. कुछ कॉमन एक्सपीरियंस जैसे हम ले सकते हैं कि टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में जो है वो रिजल्ट करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को. जैसे कि एक हैवी बॉक्स को आप अकेले मूव नहीं कर सकते इफ़ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट, जितना आप कर सकते हैं. अगेन नो इफेक्ट फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ बॉल. आप एक बॉल को सोचें कि आप उसे पुश करेंगे तो आपका कोई इफेक्ट उस पर नहीं होने वाला. यहाँ पर हमें एक और एक्टिविटी दी है जो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑन ऑब्जेक्ट. ये भी हो सकता है कि फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाए. कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कॉलम वन टेबल 11.2 में हमें ऊपर दी हुई थी, सिचुएशंस कॉलम टू में भी दी थी और ये भी अलग भी थी. तो ये किस तरह से होता है हम देखेंगे. पहले हमें यहाँ पर एक टेबल भी दिया हुआ है इसके लिए.
तो हम एक चीज देख सकते हैं कि क्या हो सकता है जब आप एक फोर्स अप्लाई करते हो एक इन्फ्लेटेड बलून के ऊपर, एक फूगे हुए बलून पर, जैसे हम कह सकते हैं फूले हुए बलून पर आप अगर दोनों हाथों से पाम से अपने प्रेशर देते हो तो क्या होगा, वो जो बलून है वो क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, फूट सकता है। अगर आप शेप ऑफ बॉल जो है बॉल की तरह डफ है और उसे आपने रोटी बनाने के लिए अपने पाम से दबाया है तो क्या होगा, उसके भी शेप जो है वो चेंज होगा, वो चपाती में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप प्रेस करते हो एक रबर बॉल को जो टेबल के ऊपर रखी है तो क्या हो सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, जिसमें अपने शेप को चेंज कर रहा है। आप अगर ऊपर की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तो आप ये रियलाइज करेंगे कि फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। आप एक चीज ये देखेंगे कि फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव हो सकता है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इफ इट इज मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है और आपने फिर फोर्स अप्लाई किया तो अपनी स्पीड को चेंज कर देगा। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होती है, मतलब डायरेक्शन भी चेंज होती है अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं। ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो शेप में भी चेंज आ सकता है ऑब्जेक्ट के, और इट मे कॉज सम और ऑल द इफेक्ट, और ये सारे इफेक्ट्स भी आपको एक ही चीज पे दिख सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे दिख सकते हैं। यहाँ पर हमें टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें लंप ऑफ डफ ऑन अ प्लेट हमने लिया है, उस अगर आप प्रेस कर रहे हैं अपने हाथ से डाउन डायरेक्शन में तो डायग्राम में जैसे दिया है, तो इसमें एक्शन ऑफ फोर्स में अगर हम स्टेट ऑफ मोशन देखें तो स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा है इसमें, और चेंज की बात करें शेप के तो वो तो डेफिनेटली डफ का शेप जो है वो चेंज होगा। इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप इसे ऑब्जर्व करें किस तरह से सिचुएशन दी है और आप उसके बाद इस डायग्राम को या इस टेबल को फिल कर सकते हैं। जब फोर्स जो है वो कॉज करता है वन और मोर इन इफेक्ट्स को, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था, और ये इंपॉर्टेंट है रिमेंबर करना कि इनमें से कोई भी एक्शन जो है वो विदाउट एक्शन ऑफ फोर्स परफॉर्म नहीं होगी। इसीलिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप से कभी मूव नहीं हो सकता, ये कभी अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, ये कभी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, ना तो अपने शेप को चेंज कर सकता है विदाउट यूजिंग फोर्स। अब हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, मस्क्यूलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट, अगर मैं आपको कहूँ कि एक बुक आपको उठानी है टेबल से तो क्या आप बिना हाथ लगाए उसे उठा सकते हैं? आप एक बकेट ऑफ वाटर को बिना उठाए आप हिला सकते हैं एक जगह से वहाँ से मूव कर सकते हैं? जनरली जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ता है, हमारी बॉडी जो है उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आती है और उसी के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। यहाँ हमें एक पॉइंट दिया है मस्कुलर फोर्स के बारे में कि मस्कुलर फोर्स जो है दैट एनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज, हमारी ऑल इन्वॉल्विंग मूवमेंट जो है या बेंडिंग ऑफ हमारी बॉडी जो है वो मस्कुलर फोर्स के कारण होती है। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है उसमें फूड जो है वो पुश होता है एलिमेंट्री कैनल के थ्रू और मस्क्यूलर फोर्स लगता है उसको ये चीज़ करने के लिए। तो जो लंग्स होते हैं वो एक्सपांड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं एयर को हमारे ब्रीथिंग के प्रोसेस में, और जो मसल्स लोकेट होते हैं उस ब्रीथिंग में वो पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है मसल्स भी प्रेशर अपना फोर्स अप्लाई कर रही हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप और भी लिख सकते हैं जो अपनी रेगुलर या रूटीन लाइफ से जुड़े हुए हैं। कुछ कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट होता है वो विद द हेल्प ऑफ स्टिक या पीस ऑफ रोप से भी आप कर सकते हैं। पुश अगर आप करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को जैसे स्कूल बैग है, लिफ्ट करेंगे एक बकेट ऑफ वाटर को, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये फोर्स कहाँ से आ रहा है? तो फोर्स जो है ये एक्शन ऑफ मसल्स के कारण आता है आपकी बॉडी के अंदर, और फोर्स दैट रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल, अगर मसल्स के फोर्स से हो रही है कोई एक्शन तो वो मस्क्यूलर फोर्स कहा जाता है। एनिमल्स को भी मस्क्यूलर फोर्स की जरूरत पड़ती है उनकी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए और अदर टास्क के लिए। एनिमल जैसे बुलक्स, हॉर्सेस, डोंकीज और कैमल्स जो हैं वो अपनी वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मस्क्यूलर फोर्स का यूज करते हैं। मस्क्यूलर फोर्स जो है वो अप्लाइड कर सकते हैं सिर्फ हम उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ही, और इसीलिए इसे कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये जो है अदर टाइप्स के भी कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, लेट अस फाइंड आउट। फ्रिक्शन, कुछ एक्सपीरियंस आप रिकॉल कर सकते हैं, एक बॉल रोलिंग हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, ग्रेजुअली स्लो डाउन होता है और फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। आप एक बॉल को मूव कर रहे हैं तो क्या वो मूव ही होते रहता है? नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बॉल अपने आप धीरे होने लगता है, स्लो डाउन होने लगता है, एंड देन वो धीरे से स्टॉप हो जाता है। तो When we stop paddling a bicycle, अगर बाइसिकल चला रहे हैं और पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो क्या वो साइकिल चलते रहती है? नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में वो साइकिल रुक जाती है, ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाती है और स्टॉप हो जाती है। कार और स्कूटर के साथ भी यही वाली चीजें हैं, अगर उनके इंजन को आप स्टॉप कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तो वो कार और स्कूटर आगे मूव नहीं होगा।
सिमिलरली बोट जो है उसी के साथ, उसके साथ भी यही होगा. तो ऐसे एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं. और ये सारी सिचुएशंस में अगर फोर्स जो है वो अगर अपीयर नहीं हो रहा है, एक्टिंग नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है और वो थोड़े समय बाद रेस्ट पोजिशन में आ जाते हैं. और ये जो चेंज है स्टेट ऑफ मोशन का, ये क्या होता है, कुछ फोर्स एक्ट होता है उसके ऊपर और कुछ जो है जैसे डायरेक्शन जो होता है हमारा फोर्स का, वो भी एक्टिंग करता है, वो भी एक्ट होता है, डायरेक्शन में भी चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अंदर. फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन के एक ऑब्जेक्ट के, और ये सारे एग्जाम्पल्स में उन्हें फ्रिक्शन कहा जाता है. फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण. और ये जो होता है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल, जिसमें बॉल की सर्फेस और ग्राउंड की सर्फेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो घर्षण के कारण बॉल अपनी स्पीड को खो देता है और धीरे 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 करके स्टॉप पोजिशन पे या रेस्ट पोजिशन पे आ जाता है. सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर और बोट के बीच में भी यही हो रहा है, इसलिए बोट भी कुछ समय बाद रुक जाती है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज एक्ट होता है मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसकी डायरेक्शन जो है ऑलवेज अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सिंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अराइज होता है, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, मस्कुलर फोर्स एनिमल यूज करते हैं मेनी डिफरेंट डिफिकल्ट टास्क करने के लिए, उन्हें मस्कुलर फोर्स का यूज करना पड़ता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अराइज होते हैं ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसिस, और इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं और इन्हीं को कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाता है. आप ये सोच के बहुत ही वंडर करेंगे कि इसेंशियल है किसी भी एजेंट को अप्लाइंग अ फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ. अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तभी फ्रिक्शन परफॉर्म होगा, ये ज़रूरी है क्या? तो नहीं, हमारे पास कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी हैं जो विदाउट इन कॉन्टैक्ट आप फिर भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं. मैग्नेटिक फोर्स, सबसे पहले टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट का पेयर लेना है हमें, और लॉन्गर साइड जो है वन ऑफ द मैग्नेट की, उस पर 3 राउंड शेप पेंसिल्स आपको लगा देनी है वुडन रोलर के थ्रू और शो किया जैसे हमें नीचे हम देखेंगे अभी. और एक एंड जो है उसका अदर मैग्नेट का, वो उसके एंड के पास में आप लेकर जाइए और देखिए कि 2 मैग्नेट जो है वो एक दूसरे को टच ना करें, और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होगा इसके साथ में. आपको देखने को मिलेगा कि वो जो पेंसिल्स हैं या वो जो मैग्नेट रखा हुआ है वो मूव करने लगेगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स मतलब अट्रैक्शन वाला जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है जो नॉन मैग्नेटिक मतलब नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे से टच नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी उनके बीच में क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उनके बीच में डायरेक्शन और उनके बीच में स्लाइटली कॉन्टैक्ट बन रहा है. तो यहाँ पर हमें दिया है ऑब्जर्विंग अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन 2 मैग्नेट्स. मैग्नेट जो है वो रोलर होने लगेगा, रोलर होने लगेगा, मूव होने लगेगा जब आप दूसरा मैग्नेट उसके पास में ले जाएंगे. और ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी एक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. जैसे हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि 2 पोल्स जो है मैग्नेट्स के वो रिपेल करते हैं अगर सेम पोल्स है तो, और अनलाइक पोल्स है तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो जो प्रोसेस होती है वो पुल और पुश के थ्रू ही होती है. तो आप इस तरह से मैग्नेट को उसके कॉन्टैक्ट में अगर लाते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स आपको पता चलता है, और मैग्नेट भी एक फोर्स को एक्सर्ट करता है अनदर मैग्नेट के ऊपर बिना उसके साथ कॉन्टैक्ट में आए. और ये जो फोर्स एक्सर्ट होता है बाय एक मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सिमिलरली फोर्स जो एक्सर्ट होता है मैग्नेट के थ्रू एक पीस ऑफ आयरन के ऊपर, उसे भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो एक प्लास्टिक स्ट्रॉ ले लीजिए आप, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, काट लीजिए, सस्पेंड कीजिए आप एक पीस को एक एज ऑफ टेबल के साथ में, उसे टांग दीजिए थ्रेड के साथ में, और दूसरी वाली जो पीस की स्ट्रॉ का पीस है उसे आप एक रब कीजिए एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर, और फिर वो रब करने के बाद उस रब वाला जो एंड है उसे आप अपनी जो स्ट्रॉ आपने सस्पेंडेड की हुई है उसके पास लेके जाइए. अब आप देखेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है. अब जैसे ही वो सस्पेंडेड पीस के पास में ले जाते हैं शीट ऑफ पेपर पर रब की हुई पीस को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पेपर है आपका, जैसे ही आप वहाँ ले जा रहे हैं तो वो स्ट्रॉ वहाँ पर आपको हिलते हुए दिखेगी, यहाँ वहाँ पर मूव होते हुए दिखेगी, और ये उसी के कारण होगा. स्ट्रॉ रब विद दिस पेपर अट्रैक्ट अनदर स्ट्रॉ, वो क्या कर रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि उसके अंदर कौन सा चार्ज बन गया है ये हम देखेंगे यहाँ पे. तो स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एन एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, क्योंकि जैसे ही उसने शीट ऑफ पेपर के ऊपर रब किया तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया है, और ये जब वो रब किया था तब आया है. और ये स्ट्रॉ एक एग्जांपल है चार्ज बॉडी का, और जो भी फोर्स एक्सर्ट होता है बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज
और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ये फोर्स तभी आता है मूवमेंट के अंदर जब बॉडीज जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं होती, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है देयरफॉर अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि वहां पर दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे चैप्टर 15 के अंदर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि कोई कॉइन या पेन आपके हाथ से अगर गिर जाता है तो वो डायरेक्टली ग्राउंड में क्यों जाता है या नीचे क्यों जाता है, नीचे ही क्यों गिरता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर पेड़ पे से कोई फल गिर रहा है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये किस तरह से होता है, यहाँ पर कौन सा मोशन है, या उनका मोशन टूवर्ड्स ग्राउंड क्यों हो रहा है? तो ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स जो फॉल डाउन हो जाती हैं टूवर्ड्स अर्थ बिकॉज वो अर्थ जो है वो उन्हें पुल कर रही है, और ये जो फोर्स लगता है इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, या जस्ट ग्रेविटी भी हम कह सकते हैं। वाटर की बात करते हैं, वो फ्लो होता है तो टूवर्ड्स द ग्राउंड ही क्यों होता है? अगर आप टैप को ओपन करते हैं तो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही पानी जो है वो मूव क्यों करता है? वाटर रिवर्स के अंदर जो होता है वो भी फ्लो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटी जो है एक प्रॉपर्टी नहीं है अर्थ की, और सिर्फ अर्थ के पास ही ये ग्रेविटी नहीं है या ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में उसके अंदर स्मॉल या लार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट बोल दो वो एग्जर्ट करता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स को। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। जैसे हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं ड्यूरिंग स्टॉर्म या साइक्लोन हम बात करते हैं तो ब्लो अवे हो जाती हैं, रूफ टॉप्स को ब्लो अवे कर देती हैं, और हमने लर्न किया था कि विंड्स और साइक्लोन्स जो हैं वो कॉज होते हैं डिफरेंसेस के कारण। अगर एयर प्रेशर में डिफरेंस आता है तो ये चीज़ें ऑकर होती हैं। और इनके बीच में क्या रिलेशन है, किसी फोर्स या प्रेशर के बीच में कोई रिलेशन है क्या, ये हम देखेंगे। तो हमें एक नेल को आप अगर पुश करते हैं वुडन प्लैंक के ऊपर बाय इट्स हेड, जो ऊपर का पार्ट होता है नेल का, या जो हम कह सकते हैं ब्रॉड पार्ट होता है, वहां से अगर मैं आपको कहूँ कि उसे वुडन प्लैंक के अंदर आपको पुश करना है तो क्या आपके लिए पॉसिबल है? नहीं। बट अगर मैं आपको कहूँ कि जो नेल का पॉइंटेड एंड है वहां से आपको पुश करना है उसे अंदर, तो आप इजीली उसे पुश कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है वो हम देखेंगे। तो आप या तो आप कटिंग वेजिटेबल्स की बात करें तो ब्लंट या शार्प नाइफ, तो आप किससे आपको ज़्यादा ईजियर होगा, तो डेफिनेटली शार्प नाइफ से। तो इस तरह से फीलिंग जो होती है दैट एरिया ओवर विच द प्रेशर इज अप्लाइड, ओनली उतना पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है वो चीज़ सबसे पहले रोल परफॉर्म करती है। जैसे कि पॉइंटेड नेल जो है वो उतना ही पॉइंटेड जो एरिया है वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इसलिए वो ईजिली पुश हो जाएगी उस वुडन प्लैंक के अंदर। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, पहले तो हम प्रेशर क्या है देखते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। एक यूनिट एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज नोन एज प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। इस स्टेज को हम कंसिडर कर सकते हैं फोर्सेस के लिए जो परपेंडिकुलर एक्ट करती हैं सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्रेस्ड। जहां पर प्रेशर कंप्रेस्ड हो रहा है, कंप्यूट हो रहा है, वहीं पर परपेंडिकुलर एक्ट करने वाली फोर्स होती है। अब यहाँ नोट कर सकते हैं कि एरिया जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है वो एक्सप्रेशन में वो स्मॉलर द एरिया द लार्जर द प्रेशर ऑन द सर्फेस। जितना स्मॉल एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर एक्जर्ट होगा, सेम फोर्स एक्जर्ट होगा। एरिया पॉइंटेड एंड जो था नेल का वो बहुत स्मॉलर था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा था उतने पूरे इसके ऊपर। शोल्डर बैग्स जो होते हैं प्रोवाइड किए जाते हैं ब्रॉड स्टेप्स के साथ में, क्योंकि जो ब्रॉड स्टेप्स होती हैं वो हमारा जो वजन है या बैग का जो वेट होता है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं हर जगह। अगर पतले बेल्ट होंगे तो पतले बेल्ट के ऊपर ही सारा का सारा फोर्स जो है वो एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसके कारण आपके कंधों पर प्रेशर आ सकता है। तो वो हर जगह पर इक्वल प्रेशर अप्लाई करने के लिए हमारे जो स्कूल बैग्स होते हैं उसके जो कह सकते हैं कि स्ट्रैप्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं। अब पहली कह रही है कि अब मुझे समझ में आया कि जो पोर्टर्स होते हैं, पोर्टर्स जैसे हम कूली कह सकते हैं, कूली अपने सिर पे जब सामान रखते हैं तो उसके पहले एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखते हैं जिससे उनका सारा का सारा जो लोड है या हैवी लोड का जो प्रेशर है वो सीधे उनके एक ही सिचुएशन पे आ जाए, मतलब एकदम एक सिचुएशन पे जहां टच हो रहा है वहां ना होके पूरे हेड के ऊपर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसे कि हमारे डायग्राम में दिया हुआ है। लिक्विड और गैसेस भी क्या एक्सर्ट करती हैं प्रेशर को, ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर जहाँ पर फोर्स एक्ट हो रहा है। अब प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड और गैस, आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेना है, प्लास्टिक पाइप लेना है, या लेंथ ऑफ पाइप जो है पाइप की वो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसका डायमीटर 5 to 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब पीस ऑफ थिन शीट लेना है गुड क्वालिटी रबर की, और
उसके बाद में आपको उस रबर बलून को एक कह सकते हैं रबर बलून लेना है, उस स्ट्रेच करके उस रबर शीट को टाइटली आपको एंड ऑफ द पाइप पे लगा देना है। अब आपको उस पाइप को होल्ड करना है मिडल से और कीप इन अ वर्टिकल पोजिशन, उसको सीधे के सीधे आपको रखना है और अपने फ्रेंड से कहना है कि उसमें कुछ पानी उस पाइप में वो डाल दे, तो क्या आपकी जो रबर शीट है वो बल्ज होगी, वो मोटी होगी या फैलेगी। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं हाइट ऑफ द वाटर को कॉलम पाइप के अंदर कितनी है, फिर आप और वाटर को उसमें पुल कीजिए, पोर कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए अगेन कि क्या आपका जो नीचे जो आपने रबर वो लगाया है वो बल्ज हो रहा है या नहीं, रबर शीट जो है वो बल्ज हो रही है नहीं, हाइट जो है वाटर कॉलम की उसमें क्या चेंज आया है। इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहिए कुछ टाइम के लिए, तो आप देखेंगे कि रिलेशन आपको पता चलेगा बल्जिंग इन द रबर शीट और हाइट ऑफ द वाटर के अंदर कॉलम ऑफ द पाइप में। जैसे हम देख सकते हैं पहली डायग्राम में जो दिया है कि पहली डायग्राम में वाटर हमने जितना भरा था वो वाटर के कारण जो रबर है वो बल्ज नहीं हुआ, क्योंकि जो बल्ज रबर के अंदर के जो एयर था वो एयर वहाँ पर नहीं था प्रेजेंट, या एयर ने अपनी जगह को वहाँ से छोड़ दिया तो वाटर अपनी जगह ले ली उस बल्ज के अंदर। लेकिन सेकंड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एयर जो है अपनी जगह को बरकरार रखी हुई है और पानी उसके ऊपर फ्लो हो रहा है, इसलिए आपको पानी की लेवल कैसी दिख रही है, हाई दिख रही है, और नीचे जो बल्जिंग हो रहा है वो एयर के कारण हो रहा है। उस तरह से हमें एक और 11.9 एक्टिविटी भी दी है, ऐसे आप देख सकते हैं करके, ये भी बहुत आसान है, आप एक बार से पढ़ेंगे तो आप इजीली इसे कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक्टिविटी 11.1 दी, 11.10 दी हुई है, इसमें हमें एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लेनी है, सिलेंड्रिकल कंटेनर लेना है और यूज़ करना है टिन या टेलकम पाउडर को, और प्लास्टिक बॉटल जो होती है उसको भी ले सकते हैं आप, उसके बॉटम में आपको 3-4 छेद कर देना है सेम लेवल पे, और आप उसमें पानी से भर दीजिए, तो आप क्या देखेंगे तो उस सारे के सारे छेदों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, और इसका मतलब ये होता है कि लिक्विड एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर को सेम डेप्थ के साथ में, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। डू गैसेस एग्जर्ट प्रेशर, क्या गैसेस कर सकती हैं, तो यस गैसेस भी एग्जर्ट करती है वॉल्स ऑफ द कंटेनर को, जैसे कि हम ये चीज़ को इन्फ्लेट बलून के थ्रू देख सकते हैं कि अगर बलून है और बलून को जो है आप अपने माउथ के क्लोज लेके आइए तो क्या होगा जब आप अपने माउथ को वहां से हटाएंगे, ठीक है, इन्फ्लेमेटेड बलून का जैसे ही आप माउथ खोलते हैं तो क्या होगा उसमें बलून जो है उसके अगर उसके अंदर होल है तो वो बलून के अंदर से हवा क्या हो जाएगी पास हो जाएगी और वो पूरी तरह से फूला नहीं सकेंगे आप। अगर उस बलून के अंदर होल नहीं है तो इसका मतलब एयर क्या हो रही है एग्जर्ट कर रही है प्रेशर को उसकी साइड्स के ऊपर, और इसीलिए हमें बलून कैसा दिखता है इनफ्लैट दिखता है, मतलब फूला हुआ दिखता है, इसका मतलब जो गैस है वो भी एग्जर्ट करती है प्रेशर को। आप क्या रिकॉल कर सकते हैं बाइसिकल के ट्यूब का, जो साइकिल आप चलाते हैं उसके ट्यूब अगर पंचर हो जाता है इसका मतलब क्या होता है उसमें होल हो गया है और एयर क्या हो रही है उसके कारण बाहर की तरफ मूव कर रही है, तो जब अगर हम टायर के अंदर हवा भरते हैं या एयर एग्जर्ट करते हैं भरते हैं एयर अंदर तो हमारा ट्यूब कैसा हो जाता है फूल जाता है जिसे हम इजिली यूज कर सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गैसेज टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है पूरा एयर से भरा हुआ है और ये जो एनवलप है एयर का उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो एक्सटेंड होती है मैनी किलोमीटर तक हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, और प्रेशर जो एग्जर्ट करती है ये एयर उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। हम जानते हैं कि प्रेशर जो है एक फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अगर हम इमेजिन करें एक यूनिट एरिया या वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फील्ड विद एयर, उसके ऊपर आपने एक रखा है, आप ये सोचिए कि एक सिलेंडर आपने लिया है जो पूरा फील्ड है एयर के साथ में, तो वेट ऑफ द एयर इन द सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हाउ लार्ज और स्मॉल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा और कम से कम, तो हम देखेंगे इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं सिलेंडर है जिसका एंड पॉइंट दैट इज यूनिट एरिया है, वहां जितना एग्जर्ट होगा प्रेशर वही उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एक्टिविटी 11.11 में हमें दिया है गुड क्वालिटी रबर सकर लेना है हमें, और ये बिल्कुल स्मॉल रबर कैप कप की तरफ दिखना चाहिए, और प्रेस इट हार्ड ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस, आप अंदर की तरफ दबा के मतलब उल्टा रख के उसे प्रेस कीजिए, आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाएगा। आप उसे अब पुल करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, जैसे आप ये देख सकते हैं रबर सकर जो है प्रेस किया है सरफेस पे, जब आप प्रेस करेंगे सकर को तो जो एयर होगी उनके बीच में कप के बीच में या सरफेस के बीच में वो एस्केप हो जाएगी, लेकिन सकर जो
है वो स्टिक हो जाएगा सरफेस को, बिकॉज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। और आप जब उस सकर को पुल करना चाहेंगे सरफेस से, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, लार्ज इनफ फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एक्टिविटी आपको आइडिया दे सकती है मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। इनफैक्ट ये पॉसिबल नहीं है कोई भी ह्यूमन बींग के लिए टू पुल अ सकर ऑफ सरफेस इफ देयर वेर नो एयर एट ऑल बट द सकर बिटवीन द सकर एंड द सर्फेस। अगर सकर और सर्फेस के बीच में एयर नहीं है तो वो पुल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इट डज गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, और इसके कारण हम बता सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा हो सकता है। वेट ऑफ एयर कॉलम जो है हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड होता है। एरिया, जैसे एरिया 10 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर है तो वो इतना लार्ज हो सकता है जैसे 1000 केजी तक। रीजन क्या है इसका, तो वी आर नॉट क्रश अंडर दिस वेट, हम इसके अंदर दबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी है वो बिल्कुल इक्वल है एटमॉस्फेयरिक प्रेशर के, और इसीलिए वो उसको पूरी तरह से कैंसिल कर देता है और हम इस वेट को ईजिली झेल सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ईजिली हम इस वेट को झेल सकते हैं, हमारा हेड झेल सकता है। तो इस तरह से एक और चीज़ हमें यहाँ पे दी है कि ऑटो वॉन गॉरिक्स जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 17th सेंचुरी में इन्वेंट किया था एक पंप जो एक्सट्रैक्ट करता था एयर को आउट ऑफ द वेसल, और विद द हेल्प ऑफ दिस पंप उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेटेड किया था डेमेटिकली कि फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर जो है उसे किस तरह से मेजर करते हैं, वो किस तरह से जाना जाएगा। तो उन्होंने दो मेटालिक हेमिस्फीयर को 51 सेंटीमीटर डायमीटर के जोड़ दिया था, पंप कर दिए थे उसके अंदर एयर और उन दोनों को उससे जोड़ दिया था। फिर उन्होंने 8 हॉर्सेस एक तरफ और 8 हॉर्सेस एक तरफ ऐसे करके दोनों हॉर्सेस को उन दो हेमिस्फीयर से जोड़ दिया एंड उन्हें पुल करने के लिए कहा। तो ग्रेट फोर्स जो था एयर प्रेशर का वो उन हेमिस्फीयर के अंदर था, और इसीलिए वो दोनों के दोनों जो 8-8 हॉर्स थे वो उन दोनों को अपार्ट पुल नहीं करने दे रहा था। उसके अंदर एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा था हेमिस्फीयर में कि वो दोनों भी तरफ जो हॉर्सेस थे वो ईजिली एक दूसरे को मतलब ईजिली मूव नहीं हो पा रहे थे, पुल अपार्ट नहीं हो पा रहे थे हेमिस्फीयर की प्रेशर के कारण। तो इस तरह से प्रेशर और फोर्स क्या चीज़ है हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा और ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।